इंडिया में न्यू पार्लियामेंट बनाई जाती है और वहां पर एक दीवार पर मैप बनाया जाता है, मीडिया पर अखंड भारत के नाम से वायरल किया जा रहा है। अंकल रो क्यों रहे हैं? अंकल रो पड़े हैं यहाँ। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाक मीडिया बात करे कैसे भारत के नए पार्लियामेंट में एक अखंड भारत का मिरर लगा हुआ है और ये मिरर देख के पाकिस्तानी मीडिया लिटरी रोने लगा और पाकिस्तानी मीडिया ने फिर से गजवाई हिंद का नारा लगाया और पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि वो अखंड भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा और वो भारत पे कब्जा करके रहेंगे। जिनको तालिबान ठोक रहा है वो कह रहे कि वो भारत पे कब्जा करेंगे और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि अखंड भारत का मिरर लगा के उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस पे रो रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। इंडिया में न्यू पार्लियामेंट बनाई जाती है और वहाँ पर एक दीवार पर मैप बनाया जाता है जिसे सोशल मीडिया पर अखंड भारत के नाम से वायरल किया जा रहा है। अंकल रो क्यों रहे हैं? अंकल रो पड़े हैं यहाँ पर, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह पाक बेहतर करे, पाकिस्तान के हालात बेहतर करे। इस वक्त मुल्क टूट रहा है, पाकिस्तान टूट रहा है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन एक साइड पे मुल्क टूटता नजर आए, दूसरी साइड पे हम गजवा हिंद की बात करें, क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे लोग जो बात? गजवा हिंद अकेली जमात ने नहीं लड़ना, मिल्ली मुस्लिम लीग नहीं लड़ेगी, पीटीआई नहीं लड़ेगी, गजवा हिंद आप भी शामिल होंगे। हमारी ख्वाहिश है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दरस है कि गजवा हिंद में जो लोग शामिल होंगे बहुत ही खुशकिस्मत लोग होंगे। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं ये गजवा हिंद हमारी जिंदगियों में आए, हमारी जिंदगियों में आएगा तो हम अपने नबी की सुन्नत का अमल करते हुए इंशाल्लाह कुफार की ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरी दुनिया पे इंशाल्लाह इस्लाम का परचम लहरा के छोड़ेंगे। और जज्बाती बात है, अच्छी बात है, जज्बात में बंदा जो है वो बात कर जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप एजुकेटेड लग रहे हैं, प्रैक्टिकली बात करें मुझे समझ नहीं आ रही। एक साइड पे कह रहे हैं पाकिस्तान टूटता नजर आ रहा है, दूसरी साइड पे कह रहे हैं कफार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सर पाकिस्तान टूटता नजर आ रहा है, लेकिन हमारी जमात मिल्ली मरकजी मुस्लिम लीग का ये बयानिया है का पाकिस्तान हमें बना के दे दिया था हमारे बड़ों ने, अब इस पाकिस्तान को बचाना हमारा फर्ज है। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। ये जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि भाई आज से कई हजार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था और हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गो बैक इन टू द पास्ट, हम वो रिससिटेट करना चाह रहे हैं। हालांकि जो मैप अखंड भारत का बनाते वो ऐसा ऊपर आसमान से बन के खुदा ने रिवील नहीं किया, दैट वाज आल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ कॉन्क्वेस्ट। मौर्यज ने कॉन्कर किया था, दूसरे उससे पहले गुप्ताज ने भी बाद में उसको एक्सपैंड किया था। सो डिफरेंट डायनेस्टीज हैव कॉन्कर्ड एंड एक्सपैंडेड इंडिया। सो मैक्सिमम साइज जो इंडिया का था कभी, उसको इंडिया भी नहीं कह सकते, द किंगडम्स दैट वेर देयर एट दैट टाइम, उसका मैप है वो। आई एम श्योर के दैट इज नॉट द ओनली म्यूरल, देर आर अदर म्यूरल्स ऑल्सो। मैं तो टूर लिया नहीं हूँ। सो बट फॉर पोलिटिकल रीजन्स, कल्चरल वॉरफेयर के रीजन्स, ऑपोजिशन भी उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और जो हिंदुत्व जो इंटेलेक्चुअल्स है और वॉइसेस है सोशल मीडिया पे वो भी उस पर मौजूद कर रहे हैं। और वो ये है कि नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर एक म्यूरल बनाया गया है और वो है अखंड भारत का म्यूरल, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कई एक ऐसे कंट्रीज इस रीजन के और दूर दूर तक के जो पहले यहाँ का हिस्सा हुआ करते थे, यानी जो इंडियन सिविलाइजेशन है, काफ़ी एशियंट सिविलाइजेशन है, ये एक पुरानी तहजीब है। और पहले अगर आप तारीख में जाएं सदियां पहले, तो यहाँ पर कौन कौन सा इलाका यहाँ का इलाका कहलाता था और यहाँ पे शामिल था जो अब इस का हिस्सा नहीं है, तो काफ़ी मुल्कों और इलाकों को उसका हिस्सा दिखाया गया है। जो नक्शा है वहाँ पर उसमें कुछ मुल्कों और इलाकों को अखंड भारत का उसका हिस्सा दिखाया गया। अब इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट तो यही आप जानते हैं कि क्या कोई जंग करने का इरादा है, कोई ऐसे अजाइम है कि
आगे जंगी होंगी और ये तमाम इलाके वापस अपने में मिलाए जाएंगे, इस वजह से यहाँ पर ये बनाई गई है और बताया गया है। तो उसमें ये बात सामने आई, यानी हमारी तरफ से तो यही सवाल होगा ना कि देखें क्या ये जो है ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया। लेकिन उसमें बात ये की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है कि जंग नहीं होगी, यानी इंडिया तो इस वक्त एक अम पसंद मुल्क के तौर पर नज़र आ रहा है, बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मेडिएशन करवाए, और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, तो ये वाली हरकतें जो है ना करें, इस तरह ये वाली चीज़ें आई जिसकी तारीफ भी की गई। तो एक ऐसा मुल्क ये कैसे कर सकता है कि वो इस तरह की कोई चीज़ बनाए कि वो उसको जंग की तरफ लेकर जाए, वो ये कहे कि हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, अब तो उसके जवाब में ये एक बात सामने आ रही है कि ये सिंबॉलिक वे में बनाया गया। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भारत के नए पार्लियामेंट में जो अखंड भारत का म्यूरल लगा हुआ है वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल मैप है, और ये कोई नहीं कहता ये हिस्टोरिकल मैप गलत है। तो ये एक कल्चर और हिस्ट्री को दिखाने के लिए कि भारत का इतिहास क्या था ये मैप लगाया गया है। इसमें पाकिस्तान कोई मैसेज नहीं दिया गया, और जो ये पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है और पाकिस्तान को भारत में शामिल करना चाहता है, तो हमें सिर्फ पीओके चाहिए, क्योंकि पीओके के ऊपर पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा करके रखा है। भारत को पाकिस्तान नहीं चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जहाँ भी जाएगा उसे तबाह कर देगा। एक प्रॉस्परस कंट्री को भी पाकिस्तान जैसा देश तबाह कर देगा। तो हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ पीओके चाहिए। तो यही कहना था, ये अखंड भारत का जो मिरर है ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल रेफरेंस है और कुछ नहीं। और जिन नमूनों ने गजवाई हिंद का नारा लगाया, इन नमूनों को तालिबान ठोक रहा है। तालिबान को ये लोग संभाल नहीं पा रहे और इन नमूनों को भारत पे कब्जा करना है। और जो फकर भाई है, जो एक बहुत ही फेमस पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उन्होंने कहा है कि गजवाई हिंद में अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों आते हैं। तो ये पाकिस्तानी जो नमूने हैं जो एक गजवाई हिंद का नारा लगा रहे, तो पहले पाकिस्तान तबाह होगा और फिर भारत। तो ये सोच के इन नमूनों को ये नारा लगाना चाहिए। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये अखंड भारत का मैप एक सिर्फ हिस्टोरिकल रेफरेंस है और कुछ नहीं। इसमें पाकिस्तान का मैसेज नहीं है, और भारत को पाकिस्तान में कोई कब्जा नहीं करना और ना ही पाकिस्तान जैसे तबाह देश को अपने अंदर शामिल करना है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।